हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए एक न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपका जो DFCCIL के द्वारा फिर से आपका जो न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगा, सब कुछ हम वीडियो में आपको बता देंगे। तो आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो स्टार्ट से अगर एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आपका जो फंक्शन ऐप, आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आप लोगों को ढेर सारा कोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस कोर्स में आप लोगों को मशीन लर्निंग से पाइथन, इससे आपको कोर्स आपको मिलेगा। तो आपका बैच वो स्टार्ट है, वो 3 जून से स्टार्ट रहा है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को 100% प्लेसमेंट गारंटी मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 6 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को US बेस्ड कंपनी में आपको जॉब मिलता है, जो आपको गारंटेड है। यहाँ पर आप लोग इसमें आपको जो भी आपको एडवांटेजेस है, मैं सब कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। पहले जो आपको लाइव क्लास होगा विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो US बेस्ड कंपनी में हायर करते हैं। एंड आप लोगों को फ्लेक्सिबल लर्निंग, जो कैन पॉज एंड रिज्यूम योर कोर्स एनी टाइम, ठीक है। दूसरा, पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को जो 800+ हायरिंग कंपनी यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड आप लोग डेडिकेटेड प्लेस और सपोर्ट टीम आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड आप लोगों को गेट US बेस्ड रिमोट जॉब क्लासेस लेस देन 6 मंथ अंदर। सो आप लोग भी सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कोर्स के बारे में फुल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, कैसे बिगिनर है, आपको जो इंटरमीडिएट ट्रैक कोर्स वगैरह है, दूसरा का एडवांस ट्रैक, इसमें सारा टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर आपको हो जाएगा। जो भी US बेस्ड कंपनी वगैरह है, तो आप लोग भी देख ही सकते हैं, जो भी कंपनी यहाँ पर हायर करती है, आप लोग पूरा इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। जो आपका डेटा साइंटिस्ट है, US बेस्ड कंपनी वगैरह, टेस्ला हो गया, आपका ओपन एआई हो गया, आपका Airbnb होगा, यूट्यूब हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को हमारे रेफरल लिंक से आप लोग पर एनरोलमेंट करते हैं, तो आपको हर एक कोर्स के ऊपर आपको 20,000 रुपये का छूट मिलेगा। पूरी पूरी 20,000 रुपये छूट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से चाहिए और रजिस्टर करके आपको एनरोलमेंट कीजिए और अपना स्लॉट भी पर बुक कीजिए। तो वीडियो चलिए और शुरू करते हैं। सो यहाँ पर तो मैंने पहले बोला था, आपका जो DFCCIL है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आपका आता है, आपको PSC आपका अंडरटेकिंग आपका है, कंपनी है, जो रेलवे अधीन आपका यहाँ पर आता है। इसमें आप लोगों को ढेर सारा एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट वगैरह यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट आपको किया जाएगा। इसमें थ्रू ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना पड़ जाता है, ठीक है। जो स्टार्ट हो रहा है 20 मई से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को, और आपका 19 आपका जून आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और यहाँ पर आप लोग टेंटिवली CB टेस्ट हो जाएगा अगस्त में, सेकेंड भी टेस्ट आपको दिसंबर का हो जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका हो जाएगा मार्च में आपको हो जाएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, इस लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए और आपका वैसे आपके यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। सो इसमें जो पोस्ट वगैरह, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया आप लोगों को, कुछ भी डाउट होता है इस तरह के आप लोगों को फोन नंबर भी मिल जाएगा आपको, वेबसाइट भी मैंने वेबसाइट आपको दे दिया है, आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है इससे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो पोस्ट वगैरह है आप लोगों को, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, इसमें आप लोगों को जीरो पे आपको सैलरी आपको मिलेगा। इसमें आप लोगों को पे स्केल लगभग 30 से लेकर आपको 1,20,000 सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें आप लोग जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो सिविल में है अंतर्गत है, इसमें आप लोगों को UR में 24 सीट आता है, SC में भी देख सकते हैं, SC ST OBC NCL में EW में आता है, टोटल 50 सीट आपको मिल जाएगा। एंड आपको ओरिजिनल रिजर्वेशन है, जो PWD एंड एक्सर्विस द्वारा आपको आता है। इसमें पोस्ट कोड रहता है 11। इसमें एजुकेशनल सिर्फ आपको 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा, सब सिविल इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, सिविल एंड वाटर रिसर्च, रिकॉर्डिंग सब यूनिवर्सिटी कंप्लीट करना होगा, इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। दूसरा है जो एग्जीक्यूटिव है इलेक्ट्रिकल में, ये भी आपको वैकेंसी मिलेगी, टोटल 30 पोस्ट आपको है। इसमें आप लोगों को आप देख सकते हैं, एंड इसमें आपको 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको कंप्लीट करना होगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेट में है, आप लोग स्टेट में आप लोग अप्लाई कर सकते, नॉट लेस देन 60% मांग हिसाब से। दूसरा जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में है, जो ऑपरेशन है बिजनेस डेवलपमेंट है, इसमें टोटल वैकेंसी है 235, इसमें से वो ग्रेजुएट पोस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। इसमें आपको ग्रेजुएट होना होगा विदाउट लेस देन 60% मार्क्स के साथ, ठीक है।
दूसरा बार है जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में, इसमें भी आपको टोटल 14 सीट आपको मिल जाएगा। इसमें आप लोगों से 3 ईयर्स बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स में कम्प्लीट करना होता है। तीसरा आपका एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में आपको 19 पोस्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको 3 ईयर्स बैचलर्स डिग्री एंड बैचलर्स ऑफ बिजनेस मतलब BBA आपको कम्प्लीट करना होता है। एंड BMS भी कम्प्लीट कर सकते हैं में, तो भी यहाँ पर एलिजिबल है 60% मार्क्स के साथ। फिर बात चाहे आपको एग्जीक्यूटिव जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो छोटा 6 सीट मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को 3 ईयर्स BCA नहीं तो 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर साइंस IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में आपको कम्प्लीट करना होता है 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव जो उसका नीचे थोड़ा नीचे पोस्ट आपका N5 का लेवल, इसमें आपको 25,000 रुपये 6 सीटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है 24 पोस्ट मिल जाएगा। इसमें आप लोग को मैट्रिकुलेशन मार्क्स बना होगा नॉट लेस देन 60% एंड 2 ईयर्स का ड्यूरेशन कोर्स कम्प्लीट करना पड़ता था अप्रेंटिसशिप IT अप्रूव SCBT NCVT से, ठीक है। उसके बाद जो आपका सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, इसमें उनको 148 पोस्ट उनको मिल जाएगा। इसमें मैट्रिकुलेशन फॉर्म 2 ईयर्स का भी कम्प्लीट करना पड़ता है NCVT SCVT द्वारा होना चाहिए। और मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को वायरमैन इलेक्ट्रिशियन IT और इंफॉर्म टेक्नीशियन में आपको ITI कंप्लीट करनी चाहिए। और उसके बाद आपका जो जूनियर मैकेनिकल में 9 पोस्ट मिल जाए, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ एंड 2 ईयर्स का कोर्स कम्प्लीट करना चाहिए जो आपके पास SCVT NCVT होना चाहिए। एंड मैट्रिक नॉट लेस 60% पर 1+ ड्यूशन IT अप्रूव SCVT NCVT टेट वेल्डर एंड प्लम्बर में भी अप्रूव, ठीक है, चेक कर सकते हैं। सभी इंस्ट्रक्शन दे दिया सब कुछ है, पहले देख सकते हो। वैकेंसीज वगैरह आपको बाद में इंक्रीज भी हो सकता है, तो कुछ आप लोगों को अगर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना का उस सोल्यूशन जाके आपको इसे टेस्ट करके उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है। कैंडिडेट्स हैविंग फॉर BBTech मैकेनिकल ड्यूअल डिग्री फॉर इंजीनियरिंग रिवेलेंट ऑल्सो कॉन्सिडर फॉर इसेंशियल कॉन्सिडर BBTech इसका कैंडिडेट्स परस्यू इंटीग्रेटेड BBTech प्लस अवार्डेड 2 सेपरेट डिग्री वगैरह, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और तो वो इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया, आप देख सकते हैं डिग्री BBTech BCA इंजीनियर फॉर द 4 ईयर्स, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा जो टेट सर्टिफिकेट सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे देगा, मार्कशीट वगैरह। इसमें एज का ITI भी दे देगा, जो एग्जीक्यूटिव में 18 से 30 साल से जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी 18 से 30 साल से आपको एज का ITI पर मिल जाएगा। और अक्सर छूट वगैरह मिलता है सभी लोग जानते हैं, उसका भी इंस्ट्रक्शन आपको एक बार दे दिया है, आप भी इसे चेक कर सकते हैं। और भी मैं आपको एक स्क्रीन में दिखाता हूँ, आप लोगों को मैं ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बार ऑनलाइन CBT टेस्ट के बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन है पर दे दिया, कैसा CBT टेस्ट वगैरह हो जाएगा कंपलसरी आपके पास से, और पूरा मिल जाएगा, उसमें भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है, आप लोग चेक सकते हैं। इस पर आप लोगों को कंप्यूटर टेस्ट भी आपको देना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस वेरियस कंप्यूटर फॉर IT में पहले CBT 1 टेस्ट कम्प्लीट करना पड़ता है, CBT 2 कम्प्लीट करना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में भी आप लोगों को कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो तभी भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मतलब आपका नहीं होगा एक बार जो पोस्ट वगैरह है आपके पास जो पोजिशन है उससे फोन के लिए बाकी आपका एक बार सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका हो जाएगा, पे एंड सैलरी वगैरह भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका प्रेशर पोस्टिंग रहता है, सैलरी वगैरह कैसे पास रहता है, ऐसे आप लोगों को सैलरी मिलता है बेसिक पे IDA पैटर्न से, आपको HRA पास अलाउमेंट्स कैफेटेरिया अप्रोच फॉर लेबर मेडिकल फिटनेस वगैरह ग्रेजुटी LTC वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है आपको। प्रेशर पोस्टिंग से आपको सैलरी वगैरह आपको मिल जाएगा, करियर प्रोस्पेक्ट प्रोमोशन एज पर टाइम टू टाइम आपके यहाँ पर हो जाएगा ग्रेड टेस्ट आपको हिसाब से, पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दिया, आप भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब चलता हूँ, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग ध्यान से फॉर्म फिल कर देना। चलिए, जय हिंद।